संसाधन भूगोल के अंतर्गत खनिज संसाधन टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे अलोह धातुओं के बारे में, जिसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट धातु है वो है तांबा। अलोह धातुएं वे होती हैं जिनमें लोहे का अंश नहीं होता है। इससे पहले हमने जितनी भी खनिज के बारे में पढ़ा था वो सभी जो है वो लोह धातुएं थी। तो सबसे पहले हम तांबे के बारे में बात करते हैं। तो तांबा जो है वो हमारी इस धरती के गर्भगृह में तथा कायंतरित चट्टाने जो होती हैं उनकी परतों में से हमें प्राप्त होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो है वो खनन करके इसको प्राप्त किया जाता है। जब तांबे को खनन करके खानों से निकाला जाता है तो यह अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। इसको प्रयोग में लाने से पहले जो विभिन्न शोधन शालाएं होती हैं उनमें शुद्ध करके इसका शोधन करके तब इसे प्रयोग में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं तांबे के उपयोग के बारे में। भारत एक ऐसा देश है जो कि तांबे का उपयोग प्राचीन काल से कर रहा है। इसके अलावा विश्व में अन्य देश भी ऐसे हैं जहाँ पर तांबे का उपयोग किया जाता रहा है, यानी कि हमारे इतिहास में अगर हम देखें तो भारत में ताम्रयुगीन संस्कृति भी मौजूद थी। तो पहले जो प्राचीन समय में जब लोहे का पता नहीं चला था या लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी, उससे पूर्व जो है वो तांबे की मूर्तियाँ और तांबे के सिक्कों का ही प्रचलन था। फिर धीरे धीरे जो है वो तांबे का यूज़ अन्य चीज़ों में भी किया जाने लगा। जैसे कि जो तांबा होता है वो तांबा विद्युत का और ताप का सुचालक होता है, इसीलिए इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग तो वर्तमान समय में बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है। यानी बिजली के जो तार वगैरह बनते हैं और जितने भी मशीनी उपकरण हैं सब में जो है वो तांबे का ही प्रयोग होता है। इसके अलावा तांबे का उपयोग मोटर, विभिन्न प्रकार के इंजनों को बनाने में, रेडियो, बर्तन, ताले, घड़ियां और विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक सम्मिश्रण होते हैं उनको बनाने में भी तांबे का प्रयोग किया जाता है। अतः उपयोग की दृष्टि से जो है वो तांबा बहुत ही महत्वपूर्ण खनिजों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं तांबे के विश्व उत्पादन के बारे में, यानी इस पूरे विश्व में तांबा किन स्थानों पर मिलता है और कहाँ इसका उत्पादन अधिक होता है। अगर हम विश्व के विभिन्न भागों में तांबे के अनुमानित संचित भंडार की बात करें तो इसके जो भंडार हैं वो 17 करोड़ टन हैं। तांबा उत्पादन में जो सबसे पहला स्थान आता है वो आता है चिली का। चिली विश्व में जितना भी तांबा उत्पादित होता है उसका 35.66% उत्पादित करता है और इस उत्पादन के साथ में वो विश्व में तांबा उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। जो चिली है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसके जो उत्तरी भाग में स्थित मरुस्थलीय भूमि है और जो एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल हैं वे प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं, जहाँ पर चिली का 90% तांबा उत्पादित होता है और इसी क्षेत्र में जो है वो तांबे की जो महत्वपूर्ण खाने हैं वो स्थित हैं। तो इस क्षेत्र में स्थित जो पहली खान सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी चिली की जो सबसे इम्पोर्टेंट खान है वो है चिकुकी कमाटा। ये जो चिकुकी कुमाटा है ये हमारे विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। इसको जो है वो विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो तांबे के संचित भंडार है वो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी अधिक हैं। जो दूसरी खान है वो है एल तैनियंत। ये जो एल तैनियंत खान है ये विश्व की सबसे अधिक गहरी तांबे की खान है और यह जो है वो मध्य चिली में सैंटियागो एक क्षेत्र है वहाँ से 84 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा जो अन्य खाने हैं उसमें हैं ला अफ्रीकाना और ब्राडेन। इसके अतिरिक्त चिली में एक पोट्रे रिलोज प्रदेश है जो भी तांबे का प्रमुख क्षेत्र है। तो इस तरीके से जो चिली है उसमें तांबे का जो उत्पादन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है। इसके अलावा चिली जो है वो विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पर कि जो राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है उसमें 50% से अधिक जो राष्ट्रीय आय है वो तांबे के निर्यात से ही प्राप्त होती है। चिली के बाद जो दूसरा स्थान आता है तांबा उत्पादन में वो है पीरू का। पीरू भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही चिली का एक पड़ोसी देश है। इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट खाने हैं वो इसकी चिली की सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र में मिलती है, जिनके नाम हैं मोरो कोचा और कासा पालका।
इसके अलावा इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो ये हैं सेरो वर्डे, एंटामिनिया, लास बाम्बोस, एंटीपेक्सी, टोरो मोचो और कोस्टा शिया। तीसरा स्थान आता है तांबा उत्पादन में चीन का। चीन का जियांग्शी क्षेत्र जो है वो सबसे प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। इसके पश्चात जो चौथा स्थान आता है वो आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर प्रारंभ से ही तांबे का उत्पादन काफ़ी बड़े स्तर पर किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ तांबे उत्पादन में गिरावट आई है, जिसके बाद सन 2017 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसका स्थान तांबा उत्पादन में चौथा हो गया है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहला क्षेत्र जो है वो है किवेना क्षेत्र। यह जो क्षेत्र है वो मिशिगन राज्य में स्थित है और यहाँ पे प्राचीन काल से ही जो है निम्न कोटि का तांबा निकाला जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है मोंटाना राज्य में स्थित बुट्टे नामक स्थान। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है और यहाँ विश्व की अन्य जो तांबा उत्पादन खदान है उनकी अपेक्षा अधिक मात्रा में तांबा निकाला जाता है, और तांबे के साथ साथ यह जो क्षेत्र है इसमें अन्य खनिज भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पृथ्वी की बृहत्तम संपन्न पहाड़ी भी कहते हैं। यानी ये जो पहाड़ी है वो तांबे के साथ साथ अन्य खनिजों के लिए भी प्रसिद्ध है। तीसरे जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं एरिजोना राज्य के ब्रिस्बी, ग्लोब मियामी, यूरेका, ओल्ड हैट, आजो, मोरेंसी, शान मैनुअल। इसके बाद जो चौथा प्रमुख क्षेत्र है वो है नेवादा राज्य में। नेवादा राज्य के अंतर्गत हैं एरिंगटन, एली क्षेत्र। इसके बाद जो यूएसए का पांचवा प्रमुख क्षेत्र है वो है ऊटा राज्य। ऊटा राज्य में दो प्रमुख प्रदेश हैं जो कि तांबा उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और वो हैं बिंथम और टिन टिक। इसके बाद में तांबा उत्पादन में जो पांचवा स्थान आता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया विश्व के कुल तांबा उत्पादन का 4.67% तांबे का उत्पादन करता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो ये हैं कोबार, माउंट लॉयल, माउंट ईशा और टेनांट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो छठे नंबर पर है वो है अफ्रीका। अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पर तांबे का जो उत्पादन है वो प्रमुख रूप से सहारा जो मरुस्थल है उसके दक्षिणी भाग में है। यहाँ पर एक कांगो प्रदेश है, यानी कांगो जो क्षेत्र है वहाँ पे एक कटंगा प्रदेश से जाम्बिया के मध्य में एक पेटी है जो कि 450 किलोमीटर लंबी है और 80 किलोमीटर चौड़ी है। ये पूरी एक तांबे की पेटी है। यहाँ पर जो तांबा मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा ये जो प्रदेश है यह भूमध्य रेखीय भाग में स्थित होने के कारण यहाँ पर घनी सदाबहार वनस्पति मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर खनन कार्य और परिवहन साधनों की जो है वो समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यह जो पेटी है वो डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी जो जायरे है उसके जादो तवीले से लेकर जाम्बिया के ब्रोकन हिल तक विस्तृत है। ये जो कटंगा प्रदेश है अगर यहाँ पे धात्विक संपन्नता की बात करें यानी यहाँ पे कितनी धातु या खनिज पाए जाते हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से 6.5 से 25% तक जो है वो धातुएं मिलती हैं। ये जो तांबे की पेटी है इस पेटी में नचंगा, कीटवी, मुफुलिश आदि तथा जाम्बिया के क्री तथा लुलुम्बाशी प्रमुख खाने हैं। इसके अलावा जो अफ्रीका की तांबे की उत्पादन की सबसे बड़ी खान है वो है लियो योल्ड विले। यह सबसे बड़ी अफ्रीका की खान है। अफ्रीका के बाद में जो अगला स्थान आता है वो है कनाडा का। कनाडा का जो स्थान है वो है दसवां। यानी अफ्रीका का था 6th स्थान, उसके बाद जो कनाडा है उसका स्थान है दसवां। कनाडा जो है वहाँ पर घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के पश्चात जितना भी तांबा शेष रहता है उसका निर्यात कर दिया जाता है। इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहला है सडवरी क्षेत्र।
जो सडवरी क्षेत्र है वहाँ पर कनाडा के कुल सिंचित तांबे का 70% मिलता है, और अगर उत्पादन की बात करें तो ये कनाडा के कुल उत्पादन का 50% तांबा प्रदान करता है। यह जो सडवरी क्षेत्र है वो ओंटेरियो प्रदेश में स्थित है। दूसरा है फ्लिन फ्लान क्षेत्र। यह जो क्षेत्र है वो कनाडा के मैनिटोबा एवं सस्केचवान राज्यों की सीमा पर मिलता है। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख क्षेत्र है कनाडा का वो है नोरंदा रोयून क्षेत्र। यह जो क्षेत्र है वो सडबरी क्षेत्र के बाद कनाडा के तांबे का यानी कनाडा में जो तांबा उत्पादित होता है उसमें अधिकतम उत्पादन करता है। यानी कनाडा में जो सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादित होता है वो होता है सडबरी में, और सडबरी के बाद उत्पादित होता है नोरंदा रोयून क्षेत्र में। यहाँ से 20% तांबा जो है वो उत्पादित किया जाता है। कनाडा का जो चौथा प्रमुख स्थान है वो है ब्रिटानिया बीच क्षेत्र। ये जो ब्रिटानिया बीच क्षेत्र है ये वैंकूवर राज्य के उत्तर में स्थित है। इसके अतिरिक्त शेरिडोन और लिन लेक ये भी अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद है मैक्सिको। मैक्सिको का तांबा उत्पादन में 8वां स्थान है, और यह जो मैक्सिको है यहाँ पर ग्रुपो मैक्सिको के द्वारा तांबे का उत्पादन किया जाता है। मैक्सिको के बाद जो अगला उत्पादक देश है वह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वहाँ बालकस एक झील है, उस झील के पास में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र स्थित हैं जो हैं झेजका झगान, कोराई स्कोए, बोजाशा कुल। ये तीनों ही क्षेत्र जो हैं वो बालकस झील के पास स्थित हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत के बारे में। भारत भी हमारा जो है वो प्राचीन काल से ही प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र रहा है। हमारे भारत में जो पुरानी रवेदार का मतलब जो अवसादी शैलें होती हैं उनमें कुड़प्पा एवं अरावली की जो चट्टानें हैं उनसे तांबे की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में जो भारत है, भारत में लगभग 712 मिलियन टन जो हैं तांबे के भंडार हैं। इसके अलावा धीरे धीरे जो है वो अन्य स्थानों पर भी तांबे की खोज की जा रही है, जहाँ पर लगभग 94 लाख टन धातु के होने के अनुमान लगाए गए हैं। यानी समय समय पर सर्वेक्षण कार्यों के माध्यम से ये पता लगाया जा रहा है कि भारत में तांबा अन्य किन किन क्षेत्रों में मौजूद है। भारत में तांबा उत्पादन में झारखंड जो राज्य है उसका प्रमुख स्थान है। झारखंड के सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल परगना और मानभूमि ये क्षेत्र तांबे के प्रमुख क्षेत्र हैं, जहाँ तांबे के साथ साथ कहीं कहीं पर सोने के कण भी प्राप्त होते हैं। हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान भी तांबा में अपना विश्व में अपनी किस्म अपनी उपयोगिता की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। यानी राजस्थान में भी जो तांबा है वो तांबा उत्पादन बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप में किया जाता है। तो पहला स्थान जो भारत में है वो है झारखंड का। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के मंथान, कुदाहन, कोलीहान, चांदमारी क्षेत्र जो हैं वो तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सभी जो क्षेत्र हैं वो झुंझुनू जिले के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा राजस्थान में अलवर के खोदरीबा और उदयपुर के देलवाड़ा केरावली क्षेत्र में भी तांबे के पर्याप्त भंडार मिलते हैं। राजस्थान के पश्चात जो भारत का दूसरा प्रमुख राज्य है उत्पादन में वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गंटूर और नेल्लोर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में भी तांबे के जमाव मिलते हैं। जो झारखंड क्षेत्र है उसमें मोसावनी खान है, राका माइंस जो कि तांबे की प्रमुख खाने हैं, आंध्र प्रदेश की अग्नि मुंडाला माइंस तथा मध्य प्रदेश की मलचखंड माइंस जो है वो देश की प्रमुख तांबा उत्पादक खाने हैं। भारत के बाद जो अंतिम प्रमुख क्षेत्र है वो है रूस। इसके रूस में जो है वो अलग अलग राज्यों में विभाजन हो जाने के कारण जो खनिज है उसके उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट आई है। प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों में यहाँ हैं सिबाई, डेग्या प्लार्स्क, गाई, उचाली और कारावास। ये चारों ही जो क्षेत्र हैं वो यूराल पर्वत के दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं।
इसके अलावा जो उत्तरी साइबेरिया है वहाँ पे नो रिलिस्क क्षेत्र है जहाँ से तांबे का खनन होता है। तो इन 11 प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों के अतिरिक्त विश्व में कुछ अन्य तांबा उत्पादक क्षेत्र भी हैं। उनमें हैं उज्बेकिस्तान के अल्मा मालपक, आर्मेनियन गणराज्य के अलावार्दी, कजहारन तथा अंगारा क्षेत्र, मैक्सिको के सोनाका, सेंटा रोसालिया, मेनिया व कनानिया, क्यूबा के पेनार, डेलराया, फिलीपाइन के उत्तरी द्वीप समार, नेग्रोस व सेबू द्वीप, दक्षिणी अफ्रीका के मोसेना, नवावीप और फालाबोखा क्षेत्र। ये संपूर्ण विश्व में जो तांबा उत्पादन है उसमें अन्य उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है, जहाँ पर तांबा उत्पादित तो होता है लेकिन थोड़ा कम मात्रा में। अब हम बात करते हैं तांबे के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, यानी इस संपूर्ण विश्व में कौन से ऐसे देश हैं जो तांबे का आयात करते हैं और कौन से ऐसे देश हैं जो निर्यात करते हैं। अनेक प्रकार की प्रौद्योगिकी, तकनीकी और पूंजी आदि की कमी के कारण जितने भी विकासशील देश हैं वो तांबे के प्रमुख निर्यातक देश हैं। यानी विकासशील देश वे होते हैं जो कि विकास के और अग्रसर हो रहे हैं, जहाँ थोड़ा संसाधनों की, पूंजी की या तकनीकों की कमी रहती है। तो ऐसे जो देश हैं हमारे विश्व में वो तांबा के प्रमुख निर्यातक देशों के रूप में माने जाते हैं। तो इसमें आते हैं चिली, जाम्बिया, जायरे, मैक्सिको और पेरू। ये देश जो हैं वो अन्य देशों को तांबे का निर्यात करते हैं। प्रमुख आयातक देशों के अंतर्गत पश्चिमी यूरोप के देश हैं जापान, भारत और यूएसए हैं, जो कि तांबे के प्रमुख आयातक देशों के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा संपूर्ण विश्व है, इस संपूर्ण विश्व में जो है वो तांबे का उत्पादन किया जाता रहा है।